वहां चले गए थे अर्थात अपने धर्म पत्नी के डर को दूर करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। आप तो कुछ नाराज से लग रहे हैं शायद। लग रहे हैं का क्या मतलब? हम नाराज हैं। माथा बच्ची की जांच करने के लिए हमें कितनी माथा पच्ची करनी पड़ी और हमें क्या प्राप्त हुआ? हाँ, लेकिन ऐसे भी क्या माथा पच्ची कर ली आपने शायद? क्या कर ली का क्या अर्थ है? सर्वप्रथम हम हवाई अड्डे पहुँचे, वहाँ पर हमने कर्मचारी से पूछा कि हमारी धर्म पत्नी जानना चाहती है कि क्या विमान की माथा बत्ती जल रही है, तो वो कहने लगा जब हमने और जोर दिया तो उसने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। धर्म पत्नी ने जो कहा है उसे पूर्ण करना हमारा धर्म है। हमने खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला। उस गुफाई रास्ते से निकलने के बाद हम एक विमान के नीचे से बाहर निकले। वहाँ पर विमान चालक खड़ा था, हमने उसे धर दबोचा, उसने हमारे कान के नीचे रख के दिया, लेकिन फिर भी हमने हार न मानी। हम उसके कदमों में गिर गए, हम गिड़गिड़ाए, हमने माफी मांगी। उसके बाद उसे थोड़ी सी दया आई और उसने कहा ठीक है, तुम अपने धर्म पत्नी के लिए हमारे विमान की माथा बत्ती जला कर देख सकते हो, और ये देखो। जल रही है शायद। ये तो लेकिन जल नहीं रही, ये जल ही रही है, और जल हमारा हृदय भी रहा है। हमने अपने मधु चंद्र के लिए क्या क्या सपने संजोए थे। हमने सोचा था अफ्रीका के जंगलों में शेरों के ऊपर बैठ के हम सैर करेंगे, सवेरे का नाश्ता गधों के साथ, रात का खाना घोड़ों के साथ करेंगे। लेकिन आपको हमसे प्रेम ही नहीं है शायद, आप हमारे साथ मधुचंद्र जाना ही नहीं चाहती थी शायद, आप केवल चाहती हैं कि हमारे किस्मत में हंटर लिखा हो शायद। एक्चुअली नो, शायद पक्का हंटर ही लिखा हो, हंटर ही लिखा हो। ट्विंकल जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ट्विंकल जी, आपने हमारे सपनों को चकना चूर कर दिया। मेरी गाल सुन, ये लीजिए आपका उधार पत्र, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, और उस कमरे से भी आपको अब शेर के दहाड़ने की नहीं, केवल हृदय के टूटने की आवाज आएगी, केवल हृदय के टूटने की। तुम इतने गुस्से में क्यों है? क्यों ना हो, हम क्रोधित हैं, हम बहुत क्रोधित हैं। इतना क्रोध हमें इससे पहले कभी नहीं आया। इस क्रोध से डरा देता यार तू यार। कपूर पिताजी, जब किसी मनुष्य का मधुचंद्र रद्द होता है ना। मधुचंद्र क्यों होता है? मधुचंद्र हनीमून। जब वह रद्द होता है तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसे क्रोध आता है, हमें भी क्रोध है। जब तक हम इस सदमे से नहीं उबरेंगे तब तक हम इसी तरह से बिफरे 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 अर्थात एंग्री एंग्री रहेंगे। ऊपर जाए जी, हट परे हट। जी क्यों हो रहा है? हनीमून के चक्कर में हमारे बच्चे लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। मैनू भी नहीं समझ में आ रही की हो रहा है। जय जय पुत्र जय। मम्मा अभी नहीं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है वो सब मैं देख लूंगा ऊपर जाके। अरे लेकिन पुत्र सुन तो सही। जीजा जी, पुत्र जय, इसे क्यों होया? ये तो पहले से ही रो रही है, इसको कैसे गुस्सा दिखाऊं? कंसंट्रेट। कहां चले गए थे आप? आपकी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, इतने अरमानों के साथ मैं मेकअप करा रही थी, बाहर निकली तो आप गायब, वो बदतमीज टैक्सी वाला भी गायब। फिर क्या करती मैं अकेले, अपना छोटा सा मुंह लेके वापस घर आ गई। तो वापस आई ही क्यों? मतलब इतना मेकअप लगाने के बाद छोटा सा मुंह छोटा रह कहाँ गया? वॉल केयर, पुट्टी लांबी सब तो लगा रखा है। मतलब 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 भी हो तुम एक नंबर की। अपने मुंह पे मेकअप लगाने के चक्कर में ऐसा भूसा भरा हुआ तुम्हारे दिमाग के अंदर, जिसके वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी सुसु करने क्या चला गया,
वो टैक्सी वाला वहां से गायब हो गया। मैंने पार्लर में घुस के तुमको देखा, तो मुंह पे पता नहीं कौन से कंपनी की लामी लगा के आंखों के ऊपर ककड़ियां रख के बैठी हुई थी। ककड़ी नहीं थी, वो कीड़ा था। तो साथ में टमाटर और पत्ता गोभी भी काट के रख लेती, मुंह का सलाद बन जाता। वो तो खड़ा हो मुझ जैसे इंसान का, जिसने ये सोचा कि तुम बाहर निकलोगी तो जाओगी कहाँ, टैक्सी गायब देखोगी घबरा जाओगी। तो मैं टैक्सी ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था, लेकिन टैक्सी ना मिली। क्यों? क्योंकि टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही थी। मैंने किसी तरह से जुगाड़ करके एक टैक्सी वाले का इंतजाम किया जो हम तीनों जोड़ों को एयरपोर्ट छोड़ा है, लेकिन ना, यू आर एज 30+9 बट मैच्योरिटी नॉन एग्जिस्टेंट। मेकअप करा रही थी कि प्लास्टिक सर्जरी करा रही थी। और इतने देर में तो ट्विंकल भाभी का फ्लाइट का टाइम हो गया, तो टैक्सी वाला वहां चला गया। ऐसे करना चाहिए तुमको। टैक्सी ढूंढने के लिए मैं बेचारा ऐसे भागा हूं जैसे दिलीप कुमार साहब मचल पिक्चर में भाग रहे थे। अरे कोई गाड़ी रोको भाई, अरे कोई टैक्सी दिला दो भाई, मेरी बीवी को एयरपोर्ट जाना है भाई। लेकिन एक भी टैक्सी ना रुकी, एक भी ना रुकी। कैसे रुक जाती? जब 1984 में दिलीप साहब के लिए ना रुकी, तो 2017 में मेरे लिए कैसे रुक जाती? सॉरी ना जी, रे सॉरी से मना लूं मैं अपना हनीमून। तुम्हारे इस मेकअप कराने के चक्कर में मेरे हनीमून के सपने के परखच्चे उड़ गए हैं। यू हैव ब्लोन द पैराशूट ऑफ माय ड्रीम्स। सॉरी जय जी। अरे जय जी सुनिए तो सॉरी। सुन मेरे गालू सुन ले। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी गाल। ओ आपको आपका क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए होगा ना, ये लो लो। अब आपको पता चल गया होगा कि क्रेडिट कार्ड से खुशियां ना खरीदी जा सकती। अब आप बैठ के अपने बेटी के साथ यहाँ पर कच्चे कटहल की सब्जी खाओ। जय पुत्र सुन तो सही। जय ऊपर जाए जी, वो क्रैश कोर्स दिया था हनीमून का कि ऐसा करना वैसा करना ये करना वो करना, सबका सब कचरा हो गया जी। मैंने भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। किशन पुत्र 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 सुन। नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं मम्मी। आप कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है वो सब मैं देख लूंगा। किशन ओए सुन। जीजा जी ये लो। ये क्या है? आइस पैक। तो मैं क्या करूंगी इसका? मैं क्या करूंगी, इस आइस पैक को लो और अपने दिमाग पे लगाओ ताकि अंदर जो ज्वालामुखी भरा पड़ा है ना वो जरा ठंडा हो सके। ये क्या बोल रहे हो आप? देखा इस बार मैं चेक कर रहा था। कोई बात कही नहीं कि दिमाग की नस फड़फड़ाना ऐसे शुरू करती है जैसे कि फड़फड़ा रही और फड़फड़ा के बाहर निकल आए। कौन सी नस? देखा मैं चेक कर रहा था, नस भी नहीं पता। इधर आओ आईने में देखो, ये देखो ये नस दिख रही है यहाँ पे। कैसे गुस्से में फड़फड़ा रही है, जैसे डॉगी की पूंछ नहीं फड़फड़ाती ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? देखा मैं चेक कर रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा है, नस फड़फड़ा रही है, गुस्सा नाक के ऊपर बैठा हुआ है। और तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से आज हमारी फ्लाइट मिस हो गई, हमारा हनीमून पे जाना कैंसिल हो गया, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं तो क्या, पड़ोसी के वजह से। अच्छा खासा तीन बंदे उस टैक्सी वाले को समझा रहे, वो पिंचू थोड़ा सा पिट जाता तो क्या जाता उसका। लेकिन नहीं, तुमको बीच में पड़ना था, अपना गुस्सा दिखाना था, जूड़ो क्या सीख लिया है, खुद को ब्रूसली समझने लग गई हो तुम। तो किशन जी तो मैं क्या करती? वो टैक्सी वाला देखा अपना कितनी बदतमीजी कर रहा था वो। ओ तो बदतमीजी टैक्सी वाला कर रहा था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। गलती चाहे जितनी भी खुद की हो डालनी किसी और पे, क्योंकि हमसे तो कोई गलती होती ही नहीं है। अच्छा खासा हनीमून पे आज हम जापान में बैठे होते किसी साकिनाका टाइप जगह पे, कॉकरोच वगैरह खा रहे होते यार। लेकिन नहीं, सारे सपने चकनाचूर हो गए, तुम्हारे इस गुस्से ने सब कुछ चौपट करके रख दिया।
मैं इस चीज के लिए ना कभी आपको माफ नहीं करूंगा। करते रहना गुस्सा, खेलते रहना जुड़ो और खाते रहना कराटे। Get out! किशन जी। भरजाई जी बड़े गुस्से में लग रहे हैं। ओ पुत्र एक मिनट, मेरी गल सुनो। मेरी क्या सुनूं मैं आपकी गल? क्या चाहिए मुझसे? आपने तो मुझे क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया था, क्या दे दूं? ओ ये लीजिए, जो आपने ईयर प्लग दिए थे ना, इनकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अब इसे आप यूज करो, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी से बात करने वाला हूँ नहीं। उसने मेरा दिल तोड़ा है, दिल, मेरे अरमानों के परखच्चे उड़ा दिए उसने, परखच्चे। हाय, वो तेरा कच्चा उड़ गया। आ, आ। ससुर, ये तो कमाल हो गया। हनीमून के कैंसिलेशन में इतनी खुशी। अरे तुम्हारे दोनों भाई भी डांस करके निकल रहे थे। ससुर ये हो क्या रहा है? अब क्या बताएं गुप्ता जी, जैसे लोगों की खुशी के आंसू नहीं निकल आते, वैसे हम भाइयों का दुख का डांस निकल आता है। अपने मन के दुख को किसी तरह से हम लोग डांस कर करके बहला रहे हैं। अरे ससुर लग तो नहीं रहा है, और तुमसे ज्यादा दुखी हम हैं। आपके कौन से जज्बात खड़े थे जिनको धोखा मिल गया? बंद करो अपनी बकलोली, हमारा रेडियो वापस करो जल्दी से। अभी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए ना। दे दूं? लिख के दूं क्या तुमको? हाँ ये लीजिए। एक मिनट, वो टोलची लेके आ रहा हूँ ना। नहीं अरे टोलची गई भाई, में पकड़ो ना यार। मिल गया रेडियो। हमको नाचना बंद कर किशन। क्यों भाई, हनीमून कैंसिल हुआ है? हनीमून कैंसिल होने पे तो नाचना बनता है, नाचना बनता। अरे बंद कर नाचना यार। अरे एक महीना हो गया है तुझे शो करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ सीखा नहीं है तू। अरे मतलब क्या है तेरा? तू याद कर, जब जब तू खुशी के मारे नाचा है किसी भी एपिसोड में, उस एपिसोड में नई नई मुसीबत आई है। खुश रहे लेकिन नाच मत, नजर लग जाती है पगले। लेकिन बब्बर फिर मैं क्या करूं, मेरे अंदर ना खुशी बड़ी ज्यादा भरी हुई है और वो धीरे धीरे करके निकल रही है, तो यही तो जरिया होता है, नाचो और खुशी मनाओ। उसे मत निकाल, उसे भीतर ही रहने दे, साइलेंट खुशी, चुपचाप खुश रहना सीख, जैसे मैं रहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ किसी को पता चलता है क्या? अब देख मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। अच्छा खुशी नजर आ रही है, देखा तेरे आंख में ना कीचड़ दिखाई दे रहा है। नहाया नहीं है बहुत दिन से? अरे पिछले हफ्ते ही तो नहाया है। तू कुछ भी यार, मैं तेरे को शांति से खुश रहना सिखा रहा हूँ। हाँ क्या करने? हाँ पीठ सीधी है। हाँ इस तरह से लंबा गहरा सांस भीतर, और सांस के भीतर जाने में एक ही संकल्प, इस धरती पर जो भी शुभ है वो मेरे भीतर जा रहा है। सांस के बाहर छोड़ने में एक ही संकल्प कि मेरी व्याधियां, मेरे रोग, मेरे टेंशन सब दूर हो रही हैं। सांस भीतर, मैं नहीं खेल रहा। मैं आंख बंद कर रहा हूँ ना, तो मुझे तीनों लड़कियों की ना रोती हुई सूरत नजर आ रही है। इतना मजा आ रहा है सोच सोच के। यार हम दोनों ने अपने षड्यंत्र से हनीमून कैंसिल करवा दिया और इल्जाम उन तीनों पे डाल दिया। ब्रिलियंट है हम, ब्रिलियंट है, मजा आ गया। अरे इतना खुश मत हो, मैं बता रहा हूँ ना, जब जब तू खुश हुआ है नाचा, कोई ना कोई मुसीबत आई है। यार टेंशन ना ले यार, इस बार कोई मुसीबत नहीं आएगी, सच्ची कोई मुसीबत नहीं। ऊपर जाए जी, सारे सपनों पर पानी फिर गया, सपने कबूतर बन के उड़ गए जी। सबसे बड़ी बात, हमारी ट्रिप भी कैंसिल हो गई। समझे? ट्रिप? जी मेरा मतलब है कि वो जो गोल्डन टेम्पल जाके मत्था टेकना था वो ट्रिप। हाँ लेकिन देखो ना ऊपर जाए जी, सब कुछ बटिया मेट हो गया जी। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है
कि मेरे तीनों पुत्र हनीमून को लेके इतने जज्बाती क्यों हो गए। पर इनके जज्बात का लेवल देख के ना शमी जी, मुझे ऐसा लगता है ये अगर हनीमून पे जाते ना तो 9 बच्चे तो जरूर पैदा होते। 9 बच्चे? हरे की तिड़वा, हमारी यहाँ तिड़वा का रिवाज है ना। मम्मी जी, पापा, मम्मी जी, कुछ करिए ना मम्मी जी, हमें नहीं लगता हमारे वाले अब हमसे मानेंगे शायद। हाँ, और जय जी भी कह रहे कि उनके दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और मम्मी जी, मुझे तो लगता है किशन जी को ना मेरा भूत चढ़ गया है। वो आज इतने गुस्से में थे, मैंने आज तक उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा है। पापा जी, आज ना वो मुझे 3 बार चेक करके चले गए हैं। जय जी देखिए, हाँ आपके बेटे हैं, आप ही समझा सकते उन्हें। मम्मी जी प्लीज प्लीज कुछ बताइए ना, हम कैसे मनाए उनको। आइडिया, एक आदमी की वो सुन सकते हैं। कौन? अबे यार कौन होगा, तू यहाँ है? सारे उधार वालों को तो मैंने बोल रखा है कि स्वाइन फ्लू हो रहा है, इसलिए डर के मारे कोई आएगा ही नहीं। कौन होगा? मैं खोलता हूँ। अबे यहाँ कहाँ छुप रहा है, कहीं और छुप। पागल हो गया क्या, एकदम दिखाई देगा, कहीं और छुप। कहाँ यार? अरे आइए 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 आइए, तीनों भाभियाँ आज इस गरीब खाने में। बबर भैया, हम ना बहुत परेशान हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो हम तीनों के वो है ना, वो हमसे नाराज हो गए हैं। कौन? पिताजी? पिताजी नहीं, पति जी। हाँ। ओह, वो तीनों हमसे नाराज होके कहीं चले गए हैं। ओह, तो आप उनको यहाँ ढूंढने आई हैं? अरे बबर भैया, वो यहाँ क्यों होंगे? वो यहाँ है क्या? हाँ? ना ना, नहीं, मेरा मतलब वो यहाँ कहाँ से होंगे? सही, तो हम उन्हें ढूंढने नहीं, हम आपसे ना पूछने आए थे। मम्मी जी कह रहे थे कि वो तीनों ना आपके बचपन के दोस्त हैं और आपको बहुत मानते हैं। हाँ बबर भैया, इसलिए कोई आइडिया दीजिए ना प्लीज, ताकि हम लोग ना सब कुछ पहले जैसा कर सके, शायद उनको मना सके, शायद वो हमें माफ कर दे शायद। अरे 3-4 बार तो आपने शायद लगा दिया, अब तो मुमकिन ही नहीं है, समझ लीजिए मुश्किल। ऐसे मत बोलिए बबर भैया, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ बबर भैया, आप ही कुछ आइडिया दीजिए ना, आप तो उनकी चड्डी बड्डी यार है ना। हाँ बबर, चड्डी बड्डी यार तो हैं, बट इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो तीनों एक नंबर के जिद्दी हैं, एक नंबर के अड़ियल हैं। अरे भाई, उन तीनों के दिमाग की सुई एक जगह अटक गई है, अब जब तक उनको वो चीज नहीं मिलेगी वो नहीं मानेंगे। शाबाश बब्बर, यू आर चप्पर। इसका मतलब हमें हनीमून की टिकट्स फिर से करवानी पड़ेंगी शायद। बिल्कुल करा लेनी चाहिए। मेरा मतलब है कि आपको बिल्कुल नहीं कराने चाहिए। मैंने कहा ना, वो तीनों एक नंबर के जिद्दी हैं, एक नंबर के अड़ियल हैं, अब वो नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई, हनीमून पे जाएंगे भी नहीं और बिना हनीमून के मानेंगे भी नहीं, अब क्या करें? अरे मैंने आपको कहा ना, वो तीनों जिद्दी नंबर 1, अड़ियल नंबर 1, वो फौरन जा नहीं सकते और आप फौरन को यहाँ ला नहीं सकते, इसलिए मुश्किल है। आइडिया। क्या आइडिया? क्या बब्बर भैया, जीनियस, आप तो जीनियस हो, आपने क्या आइडिया दिया है? अबे बब्बर, क्या आइडिया दे दिया तूने? दीदियों चलो, मुझे पता है मैं क्या करना है। थैंक यू बब्बर भैया, चलो 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 चलो। अरे मुझे अभी तो बता दो, मैंने कौन सा आइडिया दे दिया? क्या हुआ, क्या आइडिया दिया तूने? अरे मैंने कोई आइडिया, क्या आइडिया दिया तूने? अरे मैंने कोई आइडिया, इधर आ, आइडिया देगा, आइडिया देगा, तेरी इतनी हो गई, तू आइडिया देगा? हाँ, क्या आइडिया दिया, बोल बोल, क्या आइडिया दिया, जल्दी बोल वरना खींच दूंगा गला। ये बताता हूँ, तो बताता हूँ, अरे मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, भगवान कसम खा के, ये घड़ी घड़ी गले में है, मैं इसके कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया। बताओ, मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पकड़ लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं?
मुझे लगता है इस धरती पे जीनियस होना भी पाप है, पाप है, पाप है। अब क्या नया आइडिया है इनको? भाई अब कौन सी पनौती आने वाली है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.